वेलकम यू ऑल गाइज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए इसमें दिया हुआ मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज वी हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, वेरी वेरी फर्स्ट थिंग कि कौन कौन से इसमें एपी हैं ये आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड थिंग, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो अगर एपी हैं, इफ दे आर एन एपी देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस पहली चीज, एंड द सेकेंड थिंग इज वी हैव टू राइट थ्री मोर टर्म्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। तो इससे पहले भी मैं बता दूँ आपको, एपी कब होगा, जब आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये बराबर होगा किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ठीक है, मतलब ये देखिए आपके पास एपी A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4 है। तो होना क्या चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल टू इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये आपको समझ में आया, तो ऐसा होना चाहिए, तभी वो क्या फॉर्म होगा, एपी फॉर्म होगा। या फिर आप कह सकते हो, अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे A2 दो बार है, इस वाले A2 को आप यहाँ पे लेके आओ तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ A2 एंड दिस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3। A1 को आप यहाँ पे लेके जाओ तो A1 प्लस A3 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपका एपी का क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो हम इससे जाएंगे, ठीक है, हम एपी चेक करने के लिए किससे जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर ये एपी में होगा, सबसे पहले तो एपी के लिए चेक करना है। तो देखिए ये रहा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड दिस इज अ थर्ड टर्म। सो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, सो दिस इज 2 × सेकेंड टर्म क्या है 4, ये किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म विच इज 2 + 8। तो ये 8 आ रहा है 4 × 2, और ये कितना आ रहा है 8 + 2 = 10। तो ये मेरा एपी नहीं है, मैं से क्या लिखूंगा, दिस इज़ नॉट एन एपी। सो यहाँ पे एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, एपी नहीं है ये। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, चलिए सेकेंड वाले में दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म विच इज़ 5/2 शुड बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म विच इज 2 + 3। तो देखिए ये क्या हो गया 5, LHS 5 हो गया, RHS भी क्या आ रहा है 5। तो ये मेरा AP होगा, तो मैं इस पर राइट लगा रहा हूँ, ये मेरा AP हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आप थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाले में क्या है, -1/2, -3/2। सो सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म का मैं डबल करूँगा -3/2 का, या 3.2 है वो, हाँ 3.2 है। सो सेकेंड टर्म को मैंने डबल किया, और ये किसकी इक्वल होना चाहिए, मेरा फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म -1.2 है, प्लस थर्ड टर्म विच इज -5.2। देखिए ये रहा थर्ड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म। तो अब इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, चलिए ये हो गया, देखिए 3.2 का डबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 × 2 = 6, सो 6.4 होगा माइनस में। अब इसमें देखिए 1.2 और 5.2, तो 2.2 तो 0.4 हो गया यहाँ पे, एंड 5 और 1 क्या हो गया 6, और ये भी किस में, माइनस में। तो आपका ये भी एपी फॉर्म करेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पर राइट लगा दो यहाँ पे, तो ये भी एपी फॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, अच्छा चलिए इसमें हाँ एपी तो फॉर्म कर रहा है, इसमें मुझे थ्री टर्म्स भी बताना है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो आप लिख सकते हो -3.2, और उसमें से क्या माइनस करवाना है, माइनस का 1.2। तो देखिए ये हो जाएगा -3.2 + 1.2। तो देखिए -3.2 + 1.2 दोनों को माइनस करवाओगे आप, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का या प्लस का, आप बताओ, ये माइनस का होगा। तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया, -2। ठीक है, अब इसमें और क्या लिखना है, राइट थ्री मोर टर्म्स, आगे के तीन और टर्म्स लिखना है, और डिफरेंस -2 का है, तो आप इसमें दो और कम करते जाओ, ठीक है 7.2 है, तो आगे के नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, देखिए 9.2, ठीक है, इसके बाद 11.2 और सारे माइनस में होंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस में 13.2, देन वी हैव माइनस ऑफ 15.2। आया समझ में आपको, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला।
तो नेक्स्ट वाले में देखिए हमारे पास कौन सा है, फोर्थ वाला है। अब फोर्थ वाले में मेरे पास क्या है, ये रहा -10 और ये रहा -6 और -2। तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म विच इज -2। कैलकुलेट करता हूँ, ये 12 हो जाएगा माइनस में और ये क्या हो जाएगा -10 और -2 तो -12। तो एपी में तो है ये, चलिए एपी में तो है। अब मैं इसका डिफरेंस देख लेता हूँ, डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस मैंने बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म क्या है -6 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -10। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10 और ये किसके इक्वल आ गया +4 के। सो डिफरेंस मेरा यहाँ से 4 आ गया। अब मैं इसके मुझे क्या लिखना है, इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स या नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। चलिए तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखूंगा, इसमें 4 ऐड करवाते जाओ आप। तो 2 में 4 ऐड करवाओ तो ये हो गया 6, देन वी हैव 10, देन वी हैव 14। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हम फिफ्थ वाले को देखेंगे, इसमें है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। तो सिंपली चेक करने के लिए क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म मतलब 2 इंटू 3। सेकेंड टर्म क्या है आपका 3 प्लस रूट 2 है, सॉरी सेकेंड टर्म है 3 प्लस रूट 2। सो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 3 प्लस थर्ड टर्म विच इज 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसे देखिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ। तो और यहाँ पे है 3 प्लस 3 विच इज 6, सो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 2। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दोनों कैसे हैं, सेम एल एच एस आर एच एस। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका ए पी फॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पे बड़ा सा राइट लगा देता हूँ, और हमारे इससे पिछले वाला भी ए पी था तो इस पर भी मैं राइट लगा दे रहा हूँ। अब अगर ए पी फॉर्म करेगा तो डिफरेंस पता कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ जाएगा ये रूट 2। तो डिफरेंस हमारा आ गया रूट 2 का। अब मुझे आगे के टर्म्स भी बताने हैं, इसके आगे के 3 टर्म्स, किसके आगे के 3 टर्म्स, इसके आगे के। तो देखिए यहाँ पे ये 3 प्लस 3 रूट 2, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, क्योंकि इसमें एक और रूट 2 प्लस हो जाएगा, एक और रूट 2 प्लस होगा तो 4 रूट 2 हो जाएगा, फिर एक और रूट 2 प्लस करवाओगे तो 3 प्लस 5 रूट 2, एक और सो 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हमारे हो जाएंगे आगे के 3 टर्म्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेवन्थ वाला देख लेते हैं। इसमें यह है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो एपी के लिए चेक करना है आपको। चलिए यहाँ पे सिक्स्थ वाला देखना है हमें पहले, यहाँ पे हमें कौन सा देखना है, सिक्स्थ वाला पहले देखना है। ये रहा सिक्स्थ वाला आपके पास, तो ये 0.2 0.22 देन 0.222। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप इसको, हाँ इसको यूज़ कर रहे हैं, 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 0.22 शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 0.2 प्लस थर्ड टर्म विच इज 0.222। तो ये कितना आ गया, देखिए ये तो आ गया 0.44, मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इसे तो, और ये कितना आ जाएगा, इसमें आप 0.2 ऐड करवाएंगे तो ये होगा 0.2, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा 0.422, आप इसे ऐड करवा लेना, दिस इज 0.222 एंड देन वी हैव 0.2, तो ये हो जाएगा 0.422। तो देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं, तो आप इसे क्या लिख दोगे यहाँ पे, ए पी नहीं है, सो विल पुट अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवन्थ वाला। सेवन्थ वाले में हमारे पास क्या है, 0 माइनस 4 माइनस 8 एंड माइनस 12। तो यहाँ पे ए पी चेक करने के लिए ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8, और आर एच एस में भी क्या आ रहा माइनस ऑफ 8। तो ये ए पी है हमारा, तो मैं इस पर राइट पुट करूँगा, और अगर ये ए पी है तो इसका मुझे निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये क्या आ गया माइनस ऑफ 4। सो कॉमन डिफरेंस माइनस 4 का है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे इसके, देखिए माइनस 12 है इससे, और आप ये रहा माइनस 12 नंबर लाइन पे, इसको आपको माइनस, इसमें से क्या करवाना माइनस 4 करवाना, तो आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 16, तो ये हो गया माइनस ऑफ 16, देन माइनस 20 माइनस 24। तो ये रहे हमारे पास आगे के 3 टर्म्स।
अब नेक्स्ट वाला देख लेते, देखिए माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है क्या? बिल्कुल फॉर्म करेगा, बिकॉज इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? जीरो। अभी हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, इसमें डिफरेंस कितने का है? जीरो का है, तो जीरो का डिफरेंस है तो एपी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैं राइट पुट कर रहा हूँ पहले से ही, और डिफरेंस कितना लिखूंगा मैं, डिफरेंस है हमारा जीरो। और आगे के थ्री टर्म्स बोले इन्होंने, सो आगे के सारे टर्म कैसे होंगे? सेम होंगे, विच इज माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू, और ये कौन सा क्वेश्चन था? ये एट्थ वाला था, ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर एट्थ। अब यहाँ पे नाइन्थ वाला देख लेते हैं। चलिए नाइन्थ में क्या है, वन थ्री नाइन एंड 27। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म विच इज थ्री शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस द थर्ड टर्म विच इज नाइन। सो थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, और यहाँ पे नाइन प्लस वन टेन हो रहा है। तो आपका ये एपी फॉर्म होगा क्या? ये एपी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होगा, सो विल पुट अ रेड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, टेंथ वाला। सो ये रहा हमारे पास टेंथ वाला क्वेश्चन। चलिए टेंथ वाले में देखिए क्या है, ए टू ए थ्री ए एंड फोर ए। तो इसमें भी वही सेम मेथड यूज करेंगे, टू इंटू सेकेंड टर्म विच इज टू ए शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म क्या होगा यहाँ पे, थ्री ए। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, फोर ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी फोर ए। तो ये आपका ए पी फॉर्म होगा, और अगर ए पी फॉर्म होगा देन वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑल्सो। और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म विच इज टू ए माइनस फर्स्ट टर्म विच इज ए। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका, ए। और एक और काम क्या करना हमें, नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी निकालने हैं। तो ए का डिफरेंस है तो इसमें ए ऐड करवाते जाओ, फोर ए में ए ऐड करवाओ, तो ये हो जाएगा फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एंड सो ऑन। इस तरीके से ए पी आपका कंटिन्यू होगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, जो कि हमारा है कौन सा, इलेवेंथ वाला। इलेवेंथ वाले में देखिए यहाँ पे ए ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए की पावर फोर है। तो यहाँ भी सेम मेथड यूज़ करेंगे, टू इंटू सेकेंड टर्म विच इज़ ए स्क्वायर, किसकी इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट टर्म विच इज़ ए प्लस थर्ड टर्म विच इज़ ए का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया टू ए स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, इसमें से अगर आप ए कॉमन भी ले लोगे तो ये आएगा वन प्लस ए का स्क्वायर। तो दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल हैं, और अगर दोनों नॉट इक्वल हुए इट मीन्स दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन ए पी, और ये तो आपका फॉर्म कर रहा था, ठीक है, ये वाला ए पी फॉर्म नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं ट्वेल्थ वाले का सॉल्यूशन। तो ये सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी है। तो कंडीशन क्या होती है, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, सो ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज रूट टू प्लस द सेकेंड टर्म, सॉरी प्लस द थर्ड टर्म विच इज रूट ओवर 18। चलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा टू, और रूट एट को मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा टू रूट टू, और यहाँ पे ये रूट टू है, और इसे देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ये है नाइन इंटू टू, सो नाइन इंटू टू 18 होता है, तो नाइन तो बाहर आ जाएगा थ्री होके, थ्री बन जाएगा ये, और अंदर क्या बचेगा, रूट टू। तो अब यहाँ पे क्या करिए, आप रूट टू कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा वन प्लस थ्री, और यहाँ पे टू इंटू टू रूट टू हम एज इट इज लिखते हैं, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ पे आ गया फोर, और इस साइड भी क्या है, थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर। तो हमारे एल एच एस और आर एच एस कैसे आ रहे, इक्वल आ रहे हैं, दैट्स वाई ये ए पी कैसा होगा, ये क्या, ये सीक्वेंस क्या होगा, ये ए पी फॉर्म करेगा। ओके चलिए तो थर्टीन देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन, सो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म विच इज रूट सिक्स शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस द थर्ड टर्म विच इज नाइन। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए टू इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, सो इसे मैं लिख दूंगा रूट ओवर यहाँ पे, ये इसे मैं चलिए इसे सेपरेट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे टू है, और रूट सिक्स क्या होता है, रूट टू इंटू रूट ओवर थ्री। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा रूट थ्री, आप इसमें से रूट थ्री है, और ये प्लस में क्या है यहाँ पे, रूट नाइन का क्या होता है, थ्री। तो अब इसमें से आप रूट थ्री कॉमन निकाल लो, दोनों में से रूट थ्री कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस रूट थ्री, और यहाँ पे टू रूट टू और रूट थ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल करवा दो, तो क्या बचेगा, टू रूट टू, और इक्वल में क्या होगा, वन प्लस रूट थ्री। सो दे कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट एन ए पी, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर थर्टींथ। अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्टींथ का सोल्यूशन। चलिए फोर्टीन को देखते हैं,
14th में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर. तो अगेन यहाँ पे 2 इंटू द सेकेंड टर्म विच इज 3 का स्क्वायर ट्वाइस द सेकेंड टर्म, सो 3 का स्क्वायर लिखूंगा. और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट टर्म विच इज 1 का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म विच इज 5 का स्क्वायर. तो देखिए 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 इज 18. सो यहाँ पे तो 26 आ रहा है और यहाँ पे 18 आ रहा है, सो दिस इज नॉट इक्वल. सो वी कैन से दैट 14th इज ऑल्सो नॉट फॉर्मिंग एन एपी. अब आखिरी 15th वाले के लिए देख लेते ये क्या है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर. अब मैं करता हूँ सॉल्यूशन 15th वाले के लिए. चलिए ये 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड 2 इंटू सेकेंड टर्म विच इज 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. तो देखिए ये तो आ गया 50 यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये भी 50 आ रहा है. तो ये आपका एपी फॉर्म करेगा क्या, यस yes, ये आपका एपी फॉर्म बिल्कुल करेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों टर्म में डिफरेंस कैसा आ रहा है, बिल्कुल ही सेम आ रहा है. तो अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म विच इज़ 5 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 1 का स्क्वायर. और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 माइनस 1 इज 24. तो मुझे डिफरेंस मिल गया है. अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखूंगा इसके. सो यहाँ पे देखिए 73 है, 73 में क्या ऐड करवाओ आप, 73 में आप 24 ऐड करवाओ, तो ये आ जाएगा 7 एंड दिस इज 9. तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 97. अब 97 में आप 24 फिर से ऐड करवाओ, सो ये रहा 24, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 12. सो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 121. अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें 24 और ऐड करवा दो आप, सो दिस इज 5, 4 एंड 1, सो वी कैन से दिस इज 145. तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ गए, 97, 121 एंड 145.